वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन आरसीए डिफेंस एकेडमी बानसूर ऑनलाइन क्लासेस। आज हम शुरुआत करने वाले हैं डिफेंस क्लासों के नेवी एयरफोर्स एनडीए इत्यादि में केमिस्ट्री वाला जो पार्ट है उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, उसका बेसिक पार्ट क्या होता है, उसके बारे में स्टडी करेंगे। आज की क्लास में मैं आपको इंट्रोडक्शन करवाऊंगा, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं केमिस्ट्री के एल जिसकी वर्णमाला है उसको अपन सीखेंगे। उस वर्णमाला के आधार पर वन बाय वन स्टेप जो अपना सिलेबस बनता है केमिस्ट्री का उन टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। स्टार्टिंग जो केमिस्ट्री की होती है वो होती है मैटर, पदार्थ से होती है। तो मेन अपना आज का पार्ट रहेगा वो रहेगा केमिस्ट्री का स्टार्टिंग पार्ट है मैटर यानी पदार्थ। पदार्थ जो होता है क्या होता है, उसका क्लासिफिकेशन क्या रहेगा, क्लासिफिकेशन क्या रहेगा, ये दोनों आपको देखना है इस वाले वीडियो के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल पदार्थ की डेफिनेशन, दो वर्ड में आप किसी भी चीज़ को पहचान सकते हैं कि ये पदार्थ हैं। देखिए ये पेन आपको 100 दिखाई दे रहे हैं, इस पेन की प्रॉपर्टी क्या है, गुण क्या है, ये ठोस है, वाइट कलर का है, ये सारे आपके जो प्रॉपर्टी दिखाई दे रहे हैं, गुण दिखाई दे रहे हैं, वो सभी क्या हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल देखें तो ये पदार्थ हैं। वर्गीकरण में क्या आएगा, किस प्रकार का पदार्थ है, ठोस है, द्रव है, गैस है, ये किस में आएगा, वर्गीकरण के अंदर आएगा। इस वाले पेन को मैं उठा करके अगर पृथ्वी के ऊपर डालता हूँ तो क्या ये स्थान घेरता है क्या, हाँ ये स्थान घेरता है। डैट मीन्स पदार्थ क्या होते हैं, पृथ्वी पर स्थान घेरते हैं, क्या करते हैं, पृथ्वी पर स्थान घेरते हैं। दूसरा, क्या इस पेन का कुछ भार या द्रव्यमान होता है क्या, हाँ कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है एवं द्रव्यमान रखते हैं, क्या होते हैं, द्रव्यमान होता है, यानी इनमें द्रव्यमान भी पाया जाता है, स्थान भी पृथ्वी पर घेरते हैं, तो किस में आते हैं, पदार्थ में आते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल आपके पास में मिल जाएंगे, पदार्थ क्या हो सकता है, जितने भी चीज़ें आप देख रहे हो यहाँ पर है, जो भी आपको प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती है पृथ्वी के ऊपर, वो सब क्या हैं, पदार्थ हैं, पेड़ हैं, लकड़ी है, जो भी आपको दिखाई दे रहा है, गैसें होती हैं वो भी पदार्थ में ही आती हैं, क्योंकि इनमें के अंदर भी क्या होता है, द्रव्यमान पाया जाता है, ये भी वायुमंडल के अंदर स्थान है, घेरती हैं, तो गैसें वगैरह भी किस में आती हैं, पदार्थ के अंदर आती हैं। पानी है ये भी पदार्थ के अंदर आता है, ये सारे पदार्थ क्रिटेरिया में किस आधार पर आ रहे हैं, दो प्रॉपर्टी हैं भाई इसमें, पहला तो स्थान घेरना चाहिए, दूसरा उसका द्रव्यमान होना चाहिए, तो दो चीज़ इसके अंदर पाई जाती है वो पदार्थ कहलाता है। आपसे कोई पूछे पदार्थ क्या होता है, उसके गुण क्या होते हैं, पदार्थ के दो ही गुण होते हैं, एक तो हमेशा स्थान घेरता है पृथ्वी के ऊपर, दूसरा उसका कुछ निश्चित द्रव्यमान होता है, निश्चित द्रव्यमान यानी उसका निश्चित मास होता है, और स्पेस के अंदर क्या करता है वो वैक्यूम स्पेस के अंदर उसको जगह घेरता है स्पेस के अंदर। तो ये दो प्रॉपर्टी अपने को ध्यान रखनी है किसकी, पदार्थ के बारे में। ओके अब बात करते हैं पदार्थ का क्लासिफिकेशन किया गया, पदार्थ जो होता है उसको दो भागों में डिवाइड किया गया, कितने भागों में डिवाइड किया है पदार्थ को, पदार्थ का वर्गीकरण किया गया है दो अवस्थाओं के आधार पर। कौन कौन सी अवस्थाएं हैं भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल पहली जो अवस्था है वह है भौतिक अवस्था, किसके आधार पर किए हैं, भौतिक अवस्था के आधार पर। भौतिक का मतलब बाहर से रंग रूप कैसा दिखाई देता है वो कौन सी अवस्था कहलाती है, फिजिकल स्टेट कहलाती है उसकी। दूसरा एक होता है रासायनिक अवस्था यानी केमिकल स्टेट, रासायनिक अवस्था कैसी होती है, केमिकल स्टेट वो अपने को यहाँ पर देखना है, रासायनिक अवस्था कैसी है ये भी अपने को यहाँ पर देखना है। तो भौतिक अवस्था और रासायनिक अवस्था के अंदर अपने ये देख चुके हैं। भौतिक अवस्था जो होती है ये तीन भागों में डिवाइड होती है, कौन कौन सी, तीन भाग कौन कौन से, एक होता है इसमें ठोस होता है, एक क्या होता है इसमें द्रव होता है, और तीसरे वाला पार्ट क्या होता है, गैस पार्ट होता है। तो ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, और ये क्या है,
गैस, तीन पार्ट इसके अंदर आते हैं। रासायनिक अवस्थाएं जो होती हैं इनको वापस डिवाइड किया गया है, इसको वापस डिवाइडेशन किया गया है, और ये दो प्रकार के हो सकते हैं केमिकल्स। कौन कौन से? एक होते हैं प्योर शुद्ध, कैसे होते हैं? शुद्ध अवस्था वाले होते हैं। और दूसरे कैसे होते हैं भाई? अशुद्ध पदार्थ हो सकते हैं। तो पदार्थ दो टाइप के, एक शुद्ध हैं प्योर हैं, एक ऐसे मिक्स। अशुद्ध कह सकते हैं किसी को भी आप मिला सकते हो, इसका मतलब है शुद्ध पदार्थ हैं उनको भी डिवाइड किया गया है दो भागों में। कौन कौन से भाई? या तो हो सकते हैं वो वाले तत्व हो सकते हैं, केमिस्ट्री की भाषा में एलिमेंट हो सकते हैं, और या यौगिक हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? यौगिक हो सकते हैं, कंपाउंड हो सकते हैं। अशुद्ध पदार्थ जो होते हैं वो एक ही प्रकार के होते हैं, अशुद्ध को कह सकते हैं मिश्रण। क्या कह सकते हो आप? मिक्सर जो बनता है उसको आप मिश्रण कह सकते हैं। ये हो गया आपका मिश्रण आता है। और मिश्रण जो होता है ये भी दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? ये दो टाइप के होते हैं। एक होता है एक ही जैसा, मिट्टी में मिट्टी को मिला दो समभांगी बन गया, मिट्टी में पानी को मिलाएं उसके साथ में उसे पत्थर मिला दें कैसा हो जाएगा? विषमांगी प्रवृत्ति का हो जाएगा। तो ये कहलाएगा विषमांगी पदार्थ कहलाएगा। ओके, ये पदार्थों का वर्गीकरण है। अब इनके क्या एग्जाम्पल होते हैं, ठोस कौन से होते हैं, द्रव कौन से होते हैं, गैस कौन से होते हैं, आप ऑलरेडी जानते हो। ठोसों के क्या गुण होते हैं, द्रव का गुण क्या होता है, गैस का गुण क्या होता है, ये सारी प्रॉपर्टी हैं वो अपन इसके अंदर वन बाई वन पढ़ेंगे। तो आपने देखा यहाँ पर पदार्थ की प्रवृत्ति स्थान घेरता है, द्रव्यमान होता है, पहला गुण तो हो गया ही है। दूसरा गुण क्या होता है? पदार्थ को डिवाइडेशन किया, बांटा गया है। किसमें? एक बांटा गया है भौतिक अवस्थाओं में, दूसरा बांटा गया है भाई किसमें? रासायनिक अवस्थाओं में। इसको बांटा गया है दो भागों में, इसको डिवाइड कर दिया गया भौतिक और रासायनिक रूप से। भौतिक अवस्था में अगर देखें तो ये है ठोस, द्रव एंड गैस, सॉलिड लिक्विड एंड गैस पार्ट। और रासायनिक रूप से अगर अपन देखें तो दो पार्ट हैं, एक होते हैं प्योर एक होते हैं इम्प्योर, शुद्ध और अशुद्ध प्रकार के होते हैं। और शुद्ध जो पदार्थ होते हैं भाई उनको वापस डिवाइड किया गया है, तत्व और यौगिक के अंदर डिवाइड किया गया है। और इस वाले को अशुद्ध को एक ही है, कौन सा? मिश्रण वाला पार्ट इसमें आता है। और मिश्रण वाला पार्ट है वो दो भागों में, एक हो सकता है होमोजेनस, एक हेट्रोजेनस यानी समभांगी हो सकता है, और विषमांगी प्रवृत्ति का हो सकता है। तो सबसे पहले अपन ने आज देखा क्लास में पदार्थ होता क्या है, पदार्थ जो होता है उसका वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है वन बाई वन। नेक्स्ट वाले पार्ट में अपन स्टडी करेंगे भौतिक अवस्थाओं के आधार पर ठोस द्रव और जो गैस होते हैं इनके क्या गुण पाए जाते हैं, उनमें क्या तुलना होती है, कौन से एग्जाम्पल होते हैं, वायुमंडल में कितनी गैस पाई जाती है, कौन सी होती है, द्रव जो होते हैं वो किस प्रवृत्ति के होते हैं, किस प्रकार से बहते हैं, वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती हैं, ये अपन पढ़ेंगे। ठोस जो होती है बर्फ ठोस क्यों होती है, किस कारण से होती है, वो स्टडी सारे जो क्वेश्चन अपने एग्जाम के अंदर बनते हैं कंपटीशन के अंदर, वो सारे क्वेश्चन अपने इस भौतिक वाले पार्ट के अपने स्टडी करेंगे। वापस फिर आएंगे किस पे? रासायनिक अवस्था वाले पार्ट पर आएंगे। और यहाँ पर बात करेंगे किसकी भाई? इस वाले में तत्व क्या होते हैं, हीरा होता है, ग्रेफाइट होता है, फुलरीनो जो होता है वो किस टाइप के कंपाउंड हैं, वो कैसे हैं, शुद्ध है का शुद्ध हैं, उनकी बातें अपन यहाँ पर करेंगे। हीरा का स्ट्रक्चर कैसा होता है वो भी अपन यहाँ बात करेंगे। और मिश्रण जो होता है उसमें बात करेंगे मिश्रण किस टाइप के होते हैं। ओके, आज की वीडियो में अपन इतना ही स्टार्टिंग कर रहे हैं। केमिस्ट्री के अंदर पदार्थ उसका वर्गीकरण है ये पढ़ेंगे आगे अपन विस्तार से वन बाई वन। ये अपना इसके अंदर जो था ये अपन ने आज स्टडी किया इसके अंदर है, फर्स्ट वाला अपना लेक्चर था, लेक्चर फर्स्ट के साथ अपने स्टार्टिंग है इसका। अब वन बाई वन अपने केमिस्ट्री वाले सिलेबस के अकॉर्डिंग इसमें चलते जाएंगे, आप एक एक पार्ट को इसमें क्लियरिटी से समझते जाएं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, थैंक यू सो मच।